हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत बड़ी न्यूज लेकर आया हूं। कृपया करके आप इस वीडियो को पूरा देखें, ठीक है, और इस वीडियो को समझने की कोशिश करें। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखते हो, आप 9th 10th 11th या 12th के विद्यार्थी हो, तो आपको यह वीडियो देखनी चाहिए ज़रूर, क्योंकि आपके लिए यह बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, ठीक है। अगर आप इसको नहीं देखोगे तो आपसे कोई गड़बड़ हो सकती है, इसीलिए कृपया करके आप इस वीडियो को पूरा देखें अंत तक, और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें सभी स्टूडेंटों को। देखिए, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सूचना है, बहुत बड़ी सूचना है कि कक्षा 9वीं से 10वीं 11वीं 12वीं के विद्यार्थियों के लिए विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि आपका परीक्षा का पैटर्न यानी तरीका पूरी तरह बदल गया है, ठीक है। आपकी परीक्षा के दो भाग होंगे, अब आपकी परीक्षा के यानी दो भाग हो गए, ठीक है। एक होगी आपकी आंतरिक परीक्षा और एक होगी आपकी बोर्ड परीक्षा। बहुत से स्टूडेंटों को पता होगा, बहुत सों को नहीं पता होगा, इसलिए आज मैं इस वीडियो में डाउट क्लियर कर देता हूं। अगर कोई भी डाउट हो तो इस वीडियो में पूछ लेना, ठीक है, कमेंट में। तो आपके परीक्षा के दो भाग होंगे, एक आंतरिक परीक्षा और एक बोर्ड परीक्षा। आंतरिक परीक्षा में कुल 12 बार आपकी परीक्षा ली जाएंगी, ठीक है। यानी आंतरिक परीक्षा में क्या होगा, आपकी 12 बार परीक्षा होंगी, ठीक है। अर्थात अगले छः महीनों तक यानी 1 सितंबर से स्टार्ट हो गया है, अगले 6 महीनों तक हर 15 दिन में आपकी एक परीक्षा आयोजित की जाएगी, ठीक है। इस दिन 15 दिन में होने वाली इस परीक्षा में क्या होगा, यानी 15 दिन में आपकी हर 15 दिन बाद एक परीक्षा की जाएगी। अब सवाल उठता है कि इस 15 दिन में होने वाली हर परीक्षा में क्या होगा। तो हर परीक्षा में आपको 100-100 नंबर के प्रश्न पत्र प्राप्त होंगे, ठीक है। पहली बात तो हिंदी, अंग्रेजी और आपके चुने गए विषय जैसे कॉमर्स के विद्यार्थियों के लिए व्यवसाय अध्ययन, बाई खाता व लेखा कर्म, व्यवसायिक अर्थशास्त्र जैसे जीव विज्ञान संख्या के लिए बच्चों के लिए जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिकी, इसी तरह गणित वालों के लिए गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान, ठीक है। इसी प्रकार कला संख्या बच्चों के लिए इतिहास, राजनीति और अर्थशास्त्र। इस तरह आपके चुने गए 3 विषय तथा हिंदी और अंग्रेजी को मिलाकर इस तरह कुल 5 प्रश्न पत्र, ठीक है, होंगे आपके। कितना कोर्स आएगा परीक्षा में, तो अभी पहली आंतरिक परीक्षा में आपसे हर विषय के पहले अध्याय से पूछा जाएगा, ठीक है। यानी 15 दिन बाद केवल आपके हर विषय से पहले अध्याय से आपका पूछा जाएगा, ठीक है, ध्यान देना है। परीक्षा कहाँ होगी, परीक्षा आपके घर में ही होगी, ठीक है, परीक्षा आपके घर में ही होगी। परीक्षा का प्रश्न पत्र कहाँ से मिलेगा, तो परीक्षा का प्रश्न पत्र आपको अपने मोबाइल पर भोपाल से सीधा भेजा जाएगा। मैं आपको आगे पूरी डिटेल बता दूंगा, आप वीडियो को देखते रहे बस। अब आपके मन में सवाल होगा, क्या सब बच्चों का प्रश्न पत्र एक जैसा होगा? जी नहीं, प्रश्न तो पहले अध्याय से ही पूछे जाएंगे, लेकिन हर बच्चे के प्रश्न पत्र में प्रश्न अलग होंगे। अर्थात आपका प्रश्न पत्र आपके दोस्त के प्रश्न पत्र से अलग होगा। क्या प्रश्न पत्रों के नाम, सॉरी, प्रश्न पत्रों के उत्तर मन से याद करके लिखने पड़ेंगे? नहीं, प्रश्नों के उत्तर किताब में से खोजकर लिखने होंगे, ठीक है। अर्थात किताब खोलकर प्रश्न का उत्तर उस पाठ में ढूंढना है और उसमें लिखना है, ठीक है। कुछ कठिन प्रश्न पाठ की समझ पर आधारित भी होंगे, उनके उत्तर वही लिख पाएगा जिसने पाठ को पढ़कर समझा है, इसीलिए पढ़ते रहें। और मैं कह रहा हूँ कि आप इन प्रश्नों को भी नहीं लिख पाओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि कौन सा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कौन सा आ सकता है, इसीलिए हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते रहें आप टाइम टाइम पर, ठीक है। सभी के मिलेंगे आपको लगभग लगभग 5-5 यूनिट तक, फिजिक्स केमिस्ट्री का आपको कंप्लीट होगा, मैथ्स बायोलॉजी के और आपको दे दिए जाएंगे, ठीक है। उनको देखते रहें, तैयार करते रहें, ओके। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हो तो अभी जुड़ जाओ, ठीक है, वहाँ पर आपके टेस्ट लिए जाएंगे, इससे आपकी क्या हो जाएगी, तैयारी हो जाएगी, वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है 9893-7647-51, 9893-7647-51। अगर आप इससे अभी तक नहीं जुड़े हो तो अभी 100 रुपये फीस है, लेकिन 10 तारीख के बाद, 10 सितंबर के बाद इसकी 200 रुपये फीस हो जाएगी, ठीक है। अभी 100 रुपये केवल, 100 रुपये फीस है। इसमें आपको हिंदी का फुल कोर्स मिलेगा, ठीक है, मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, इनके आपको इंग्लिश के, हिंदी के और मॉडल पेपर और गेस्ट पेपर मिलेंगे, ठीक है, बोर्ड परीक्षा के लिए। और जो अभी परीक्षा होगी ना 15 दिन बाद, उनके लिए भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे 7 दिन में एक बार, ठीक है। यानी 15 दिन में आपको 2 बार इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे अध्याय, यूनिट बाय यूनिट, ठीक है। चलिए,
तो फिर से परीक्षा कैसे कहेंगे, यानी घर पर बैठ देख के लिखना है तो फिर से परीक्षा कैसे कहेंगे, तो तभी तो इसे परीक्षा न कहकर असाइनमेंट कहा गया है। ठीक है, उत्तर कहाँ लिखने होंगे, उत्तर लिखने के लिए आपको हर विषय की 200 पेज की एक कॉपी, इस तरह कुल 5 कॉपियाँ बनानी होंगी, यानी आपको एक विषय की कम से कम 200 पेज की एक कॉपी बनानी होगी। ठीक है, इसी प्रकार आपको एक 5 कॉपियाँ बनानी होंगी, 5 विषय की 5 कॉपियों में प्रश्न पत्रों के उत्तर लिख देने के बाद इन कॉपियों का क्या करेंगे, तो इन कॉपियों को जल्दी से स्कूल में जमा कर देंगे। ठीक है, जिस भी स्कूल में आपने एडमिशन लिया है वहाँ पर आप जमा कर देंगे। स्कूल में इन कॉपियों का क्या होगा, स्कूल में शिक्षक आपकी कॉपियाँ चेक करेंगे और हर प्रश्न पत्र में 100 में से आपको नंबर देंगे, फिर शिक्षक आपको नंबर को माध्यमिक शिक्षा मंडल के पोर्टल पर कंप्यूटर में चढ़ाएंगे और भेज देंगे। किसी बच्चे के पास मोबाइल नहीं है तो उसे प्रश्न पत्र कैसे मिलेगा, इसके लिए हर बच्चे को एक पासवर्ड मिलने वाला है। ठीक है, हर बच्चे को एक क्या मिलेगा, पासवर्ड मिलेगा, वह कंप्यूटर की दुकान अर्थात साइबर सेंटर पर जाकर अपना पासवर्ड, जन्म तारीख, नाम आदि सूचना, जरूरी सूचना बताकर अपने पेपर खुद निकलवाएगा। ठीक है, फिर है शिक्षक हमारी कॉपियों को जांचने और नंबर कंप्यूटर पर पोर्टल पर चढ़ा देने के बाद उन कॉपियों का क्या करेंगे, शिक्षक वे कॉपियाँ आपको वापस कर देंगे ताकि 15 दिन बाद आप फिर से अगली परीक्षा असाइनमेंट उन कॉपियों में दे सकें। ठीक है, कुल कितनी परीक्षा आंतरिक परीक्षा असाइनमेंट पूरे करके स्कूल में जमा करने हैं, तो आपको कुल 12 परीक्षा या असाइनमेंट पूरे करके स्कूल में जमा करने, आपके कुल 12 परीक्षाएं होंगी। ठीक है, 12 पेपर होंगे हर एक सब्जेक्ट के। कोई परीक्षा नहीं दी और स्कूल में असाइनमेंट नहीं जमा किया तो क्या होगा, तो क्या होगा, असाइनमेंट की 5 कॉपियाँ स्कूल में एक बार भी जमा नहीं करने पर टीचर आपको नंबर पोर्टल पर नहीं चढ़ाएगा, आपके जो नंबर है उसको पोर्टल पर नहीं चढ़ाएगा और इस कारण से भोपाल से सीधे आपको एक चेतावनी देने के बाद स्कूल से आपका नाम काट दिया जाएगा। यह काम सीधे भोपाल से ही होगा, इसीलिए आपकी स्कूल के शिक्षक और प्राचार्य आपको बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हर 15 दिन में परीक्षा देना और कॉपी जमा करना बहुत ज़रूरी है क्या, यस यह बहुत ही ज़रूरी है, इसके बिना स्कूल से नाम कट जाने वाला है। ठीक है, आपने एक भी असाइनमेंट पूरा नहीं किया तो आपके माता पिता को बुलाकर स्कूल में उनसे साइन लिए जाने के आदेश हैं ताकि आपके नाम कटने की जानकारी उन्हें हो सके। अगला प्रश्न हो सकता है आपका, क्या आप सारी परीक्षाओं में घर पर रहकर किताब में से देखकर ही उत्तर लिखने होंगे, सिर्फ आंतरिक परीक्षा में ऐसा करना होगा, अर्थात 12 असाइनमेंट जो आपके होंगे उसमें सिर्फ ऐसा होगा, लेकिन फरवरी या मार्च में होने वाली आप जो आपकी बोर्ड परीक्षा होगी उसमें आपका सेंटर पर जाकर वार्षिक परीक्षा की तरह आपको परीक्षा देनी होगी जिसमें आप किताब से देखकर नहीं लिख सकते। ठीक है, हमारे रिजल्ट को बनाने में आंतरिक परीक्षा यानी असाइनमेंट का हिस्सा कितना रहेगा, तो देखिए असाइनमेंट का हिस्सा आपका रहेगा 70%। ठीक है, 70% आपके किससे मिलेंगे, अभी मैं इसको समझा दूंगा डिटेल से, पहले आप इसको समझ लो। ठीक है, असाइनमेंट का रहेगा 70% और वार्षिक बोर्ड परीक्षा का हिस्सा कितना रहेगा, 30%। ठीक है, पहले असाइनमेंट का समय कब है, पहले असाइनमेंट का समय 1 सितंबर से 15 सितंबर के बीच है। ठीक है, पहले असाइनमेंट को पूरा करने के लिए कितना कोर्स पढ़कर रखें, हर विषय का सिर्फ पहला अध्याय पढ़ लें, हर विषय का सिर्फ पहला अध्याय। ठीक है, इस नई व्यवस्था के बारे में और कुछ पूछना हो तो किससे पूछें, अपने कक्षा शिक्षक और प्राचार्य से कक्षा के व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं और ग्रुप से नहीं जुड़े हो तो उन्हें फोन लगाकर भी पूछ सकते हो। ठीक है, सूचना यह समाप्त हो गई है, अब मैं आपको एक जानकारी दे दूँ। सबसे पहले तो आपको एक मासिम ऐप है, आपने भी मैंने इसके ऊपर पहले भी वीडियो बनाई थी मासिम ऐप के ऊपर, उस पर आपको क्या करना है, नामांकन करना होगा। नामांकन पहले आप स्कूल में जाइए, ठीक है, स्कूल में जिस स्कूल में भी आपने एडमिशन लिया है उस स्कूल में आप जाइए, उनसे पूछिए कि सर हमें उन्होंने वैसे आपको जानकारी दे दी गई होगी, नहीं दी है तो आप उनके पास जाइए, चाहे आप गवर्नमेंट स्कूल से हो चाहे आप प्राइवेट स्कूल से हो। ठीक है, आप अपने प्रिंसिपल के पास जाइए, उनसे कहिए कि सर मासिम ऐप पर हमारा नामांकन कैसे होगा, फिर वो आपको बताएंगे, या फिर आप मार्केट में जाकर भी करवा सकते हो, घर पर भी हो सकता है। ठीक है, वहाँ पर स्कूल में भी टीचर कर सकते हैं,
तो उनकी सलाह लेकर ही करें। पहले आप स्कूल में जाएं, उनसे पूछें कैसे क्या होगा, ठीक है। मार्च समय पर आपका नामांकन होगा पहले, फिर आपको एक पासवर्ड मिलेगा, उसके द्वारा आप पेपर दे सकोगे। उसके द्वारा क्या होगा, उस पासवर्ड के द्वारा आप पेपर डाउनलोड कर लोगे, फिर आप उसको लिख सकते हो। देख के लिखना है आपको, देख के वही बच्चा लिख पाएगा जिसको पता होगा, थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, थोड़े बहुत उसने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे होंगे कि ए इंपॉर्टेंट यहाँ है, यहाँ मिलेगा, ठीक है। तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। और उनको आप लिख कर तैयार कर लो उनके आंसर कहीं पर, ठीक है, फेयर में या किसी में रफ में, ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम ना आए जब आप पेपर दो 15 दिन बाद, ठीक है। तो बस यही थी जानकारी। इस वीडियो को कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि सभी स्टूडेंटों के पास यह वीडियो पहुंच जाए। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि आप अगर WhatsApp ग्रुप से नहीं जुड़े हो तो प्लीज़ जुड़ जाइए, क्योंकि उसमें आपकी तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। उसमें आपका हिंदी का तो फुल कोर्स कराया जाएगा। इसके साथ साथ देखो, अब मैं हाँ एक और आपको बात बता दूँ कि देखो 70% क्या है, 70% आपके असाइनमेंट यानी आंतरिक परीक्षा के आधार पर मिलेंगे। तो आपको पूरा पूरा फोकस, देखो पहले बस मेरी बात समझो पहले, यानी आपका 100% का पेपर होना, सीधी बात ये है, ठीक है। एक ही पेपर मानो, यानी बोर्ड एग्जाम है 100% का, ठीक है, बोर्ड एग्जाम, जिसमें से आपके 70% क्या है ना, 70% आपके आंतरिक परीक्षा के आधार पर ही आपको नंबर मिलेंगे। 30% के आधार पर आपको बोर्ड परीक्षा होगी, यानी 30% में भी आपका पूरा पूरा 100 नंबर का पेपर पूछा जा सकता है। अभी इसके ऊपर कोई डिसाइड नहीं है कोई, ठीक है। जब आपके बोर्ड एग्जाम होंगे 30% में, इसमें छात्रों के डाउट हैं कि जब 30 नंबर का पेपर, 30% पेपर होगा, तब उसमें कितने नंबर का पेपर आएगा, तो आपका 100 नंबर का ही पेपर आएगा, ठीक है। इसके पूरे पूरे चांस है 100 नंबर का ही आपका पेपर आएगा। इसीलिए आपको पहले तो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान किस पर देना है, आंतरिक परीक्षा पर, क्योंकि 70% आपके इसी से बनेंगे। फिर 30% क्या होगा, आप बोर्ड परीक्षा देने जाओगे, बोर्ड परीक्षा देना जरूरी है, अगर आप बोर्ड परीक्षा नहीं दोगे तो फेल भी हो सकते हो, ठीक है। इसीलिए बोर्ड परीक्षा देने जानी है, और बोर्ड परीक्षा में आपका पूरा पूरा सिलेबस पूछा जाएगा, पूरा पूरा, कहीं से भी जैसे पेपर आता है ना वैसे ही पूछा जाएगा। अभी वैसे कोई न्यूज़ नहीं आई है इसके बारे में, और अभी से लेटर नहीं जारी किया गया है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि सभी स्टूडेंटों के पास यह वीडियो जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। धन्यवाद।